राजस्थान में सांप्रदायिक घटनाओं की फ्रीक्वेंसी कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछले दो महीने के अंदर सांप्रदायिक तनाव की दो बड़ी घटनाएं सामने आ चुकी हैं और छटपट अगर हिंसा को जोड़ लिया जाए तो स्थिति लगातार वहां की क्या कहती है यह बताने की जरूरत नहीं है। और इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले अभय दुबे जी आपके ही पास आते हुए, क्योंकि सारा ठीकरा राज्य सरकार के सिर पर फोड़ा जा रहा है और राज्य सरकार, जब कानून व्यवस्था आपका मामला है, जब ये राज्य के अंदर आता है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये क्यों कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जांच करा ले, कमेटी बैठा ली जाए, भागने की कोशिश कर रही है क्या इस तरह की घटनाओं से आपकी सरकार राजस्थान में? त्रिपाठी जी आपको नमस्कार। हम 4-5 वर्षों से लगातार शो कर रहे हैं, खासकर आज तक पर आप 5 वर्षों से ये मुद्दा उठा रही भारतीय जनता पार्टी, हर एक घटना में पीएफआई का हाथ है। कांग्रेस पार्टी 5 वर्षों से निरंतर कह रही है केंद्र सरकार को कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती सरकार, क्यों नहीं लगा रहे बताइए ना। अप्रैल 2021 सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सर्वोच्च अदालत में यह कहा, उन्होंने कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध की तैयारी कर रही है। बीजेपी आरोप लगाती है ना पीएफआई पर, आप लोग कुछ ज्यादा ही मेहरबान रहते हैं, क्या उमड़ता है आप लोगों का कई परमिशन में पीएफआई को लेकर? सच सुनना नहीं चाहती क्या आप? नहीं नहीं, आप बोलिए सर, क्रॉस क्वेश्चन तो पूछूंगी ना सर। राजस्थान में रैली थोड़ी ना हो रही है, आज तक के डिबेट में आप बैठे हुए हैं सर। आज तक की डिबेट पर बड़ा खुलासा आज तक पर कर रहा हूँ, जो इक्कर रखी है, मैं एक साल से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पीएफआई पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी। क्यों नहीं लगाएगी? क्योंकि उसका जो राजनीतिक संगठन है एसडीपीआई, वो कर्नाटक में मुस्लिमों के कोस्टल कर्नाटका में अधिक वोट संग्रहित करने लगा है। कर्नाटका में भी चुनाव है, राजस्थान में भी एसडीपीआई चुनाव लड़ता है और माइनॉरिटीज के वोट कलेक्ट करता है, तो भारतीय जनता पार्टी अप्रत्यक्ष रूप से उसको सहयोग करती है ताकि वो इस पोलराइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। मैं चुनौती देता हूं आपके चैनल पर, याद रखिएगा, फिर 5 महीने बाद हम डिबेट करेंगे, फिर ये पीएफआई पर आरोप लगाएंगे लेकिन उस पर प्रतिबंध नहीं लगेगा। शहजाद पूनावाला जी, सर्वोच्च अदालत में अप्रैल 21 में कह चुके हैं, ठीक है, ये षड्यंत्रकारी लोग। ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना, एक बार मैं जवाब ले लेती हूँ, पीएफआई पर बैन क्यों नहीं लगाती है सरकार, ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना शहजाद पूनावाला, कि अगर कुछ भी होता है पीएफआई को लेकर आते हैं, कुछ भी होता है पीएफआई को लेकर आते हैं, और होता कुछ नहीं है पीएफआई को लेकर, ना आज तक बैन हुआ ना पीएफआई में किसी मामले में किसी की भी गिरफ्तारी हुई है, आधार कुछ तो होगा पीएफआई को लेकर आने के पीछे। अरे गृह मंत्रालय ने तो चित्रा जी मैं क्या जवाब दे सकता हूँ, उनका जवाब सुन ले, एएनआई ने उसका, एक सेकंड, एएनआई ने अभी कहा, चित्रा जी इस प्रकार से हस्तक्षेप मेरे समय पर नहीं होगा, मैं भी हस्तक्षेप कर सकता हूँ और हस्तक्षेप हटाने के लिए, अतिक्रमण हटाने के लिए हमें डिबेट में बुलडोजर कोड भी चलाना आता है। चित्रा जी अगर आप इस डिबेट को मॉडरेट करेंगे और अतिक्रमण नहीं होने देंगे तो अतिक्रमणकारी को ऐसे घुसपैठे को डील करना मुझे आता है, परंतु आपके विवेक पर छोड़ दूंगा, ठीक है। अभय दुबे जी प्लीज, एक बार उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा, आप ही की सरकार है, राज्य सरकार आप ही की है, सारे जवाब आपको ही देने हैं। अभय दुबे जी थोड़ा सा धैर्य दिखाएं, एक बार शहजाद से हम जाने, तो अगर वो पीएफआई की एंट्री करवाते हैं तो उसके पीछे ठोस आधार कुछ है या फिर आरोप लगाओ और भाग जाओ? शहजाद पूनावाला जी, पहले तो ये घुसपैठिए और अतिक्रमणकारी लोगों को कहिए कि मेरे समय में अतिक्रमण ना करें, मैं अभी जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि आप क्यों, तुम भाजपा में अतिक्रमणकारी हो, ठीक है, चित्रा जी मैंने पूरी बात सुनी है, लौटूंगी आपके पास, प्लीज फिर समय जाया होगा, बाकी मेहमानों का नंबर बहुत देर से आएगा, एक एक करके प्लीज। चित्रा जी पहला सवाल विपक्ष की ओर से यह था कि पूरे देश में पीएफआई पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगता है, इसका मतलब कि कम से कम ये चाहते हैं कि पूरे देश में लगे, मतलब हर राज्य में लगे इस पर प्रतिबंध। मैं इनसे केवल 2 सवाल पूछना चाहता हूं, ये कर्नाटका में जब उनकी सरकार थी तो 175 केस इन्होंने हटा दिए पीएफआई से, 2015 की बात है, ऐसे ही जहां जहां पे इनकी सरकारें रही है इन्होंने पीएफआई के खिलाफ सारे केस वीकेंड कर दिए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि पीएफआई का और कांग्रेस पार्टी का अलग अलग चुनावों में गठबंधन रहा है, ये पिछले चुनाव में राजस्थान में भी रहा है, पिछले बार कर्नाटका में भी उनका गठबंधन रहा है, और इसी के चलते सारे केसेस वीक कर देते हैं। परंतु जहां हमारी सरकार है उत्तर प्रदेश में, जैसे कि वहां पर हमने प्रतिबंध जब लगाया तब इन्होंने ही उसका विरोध किया कि क्यों सीए के दंगाइयों के खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं। दूसरी बात, केरल में चित्रा जी, मैं इस प्रकार की हस्तक्षेप, मैं यहाँ पर बुली होने नहीं आया हूँ, मैं तथ्यों के साथ बात रख रहा हूँ, बाकी सब छोड़ दीजिए। चित्रा जी ये कहते हैं ना पीएफआई पर देशभर में बैन होना चाहिए, ये फरवरी में इन्होंने कोटा में पीएफआई को मार्च निकालने दिया है,
तो पहले यह बता दे पंडित अभय दुबे कि अगर आप पीएफआई को देश भर में बैन करना चाहते हो तो वहां पर उसको दामाद बनाकर मार्च क्यों निकाल रहे हो, यूनिटी मार्च उनकी, इसका जवाब दे दो पहले। और केसेस क्यों विड्रॉ किए, और जहां जहां आपने केसेस विड्रॉ किए अब वहां पर एक केस बिल्डअप करके उन पर प्रतिबंध लाना। मैं आपको उदाहरण देता हूं चित्रा जी, केरल में सबसे ज्यादा सक्रिय रहती है एसडीपीए पीएफआई। अरे राजस्थान में रहते हैं शहजाद पूनावाला जी, आपने आरोप लगाए, नहीं 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 प्लीज इधर उधर की बात नहीं, आपने आरोप लगाए हैं कि राजस्थान में जो घटनाएं सामने आ रही है ये जो दंगा सीरीज है इसके पीछे पीएफआई का हाथ है। मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या ठोस सबूत है जी, सिर्फ आरोप लगाने की बात नहीं है ना, अगर राजस्थान में वास्तव में वो जिम्मेदार है तो वो तथ्य देश के सामने आना चाहिए। लेकर आया हूँ पूरा सबूत, लेकर आया हूँ चित्रा जी मेरी पूरी बात सुन लीजिए। पहले तो करौली का मामला उठा लेते, करौली में आपको याद होगा कि एक तारीख को पीएफआई ने लेटर लिखा था और दो तारीख को वहां पर दंगा हुआ, मतलब राजस्थान की सरकार को पूरी तरह से पता था कि पीएफआई वहां पर कुछ ना कुछ करेगी, परंतु उसके बावजूद भी ना पीएफआई के लोगों को गिरफ्तार किया और फिर जिस प्रकार से एक शांतिपूर्वक हिंदू नववर्ष की यात्रा पर पथराव किया गया और उसके बाद देखिए बंगाइयों को बचाने के लिए, ये राजस्थान सरकार के गहलोत जी के दो बयान मेरे सामने हैं, वो कहते हैं करौली में दंगा हुआ ही नहीं, और आज का उनका बयान है जैसे सैम पिट्रोडा ने कहा हुआ तो हुआ, वो कहते हैं छोटा सा दंगा हुआ। मैं उनसे पूछना चाहता हूं 80 घरों को जला दिया गया, ये करौली की तस्वीर, दंगा नहीं हुआ? ये जोधपुर में 8 वर्षीय बच्ची को मारने के प्रयत्न के उपद्रवियों ने, ये दंगा नहीं हुआ? और पंडित अभय दुबे आपके मुख्यमंत्री कहते हैं दंगा नहीं हुआ, ये तस्वीर ध्यान से देखिए, ये तस्वीर एक दंगाई की है या नहीं है? आप दंगाइयों को झारखंड हो चाहे जांगीरपुरी हो, करौली हो, खंभाट हो, खरगोन हो, ताकि चाहे ये हो करौली हो, ये दंगाइयों को बचाने का अभियान कौन चलाता है? देश में बेटी बचाओ चलता है, ये दंगाई बचाते करौली का मुख्य आरोपी, करौली का मुख्य आरोपी मतलूब अहमद एक महीने से मतलूब अहमद फरार है, पंडित अभय दुबे से पूछिए कि एक महीने से मतलूब अहमद करौली का मुख्य आरोपी फरार है कहां? ये मतलूब अहमद कहां है अभय दुबे जी? ठीक है अब जवाब सुन लेते हैं, ये जो करौली का मेन मास्टरमाइंड है कहां है? देखिए चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी से पूछो, वो राहुल राजपूत करा रहा है बंजारावास गुजरात में, वहां पर दंगे हुए बनासकांठा में, क्या किया प्रधानमंत्री जी ने? एक शब्द बोला, देश के 10 प्रांतों में दंगे हुए। खरगोन में तो एसपी के पैर में गोली मार दी। अभी बुरहानपुर में क्या हुआ जानती हैं? बुरहानपुर में मेरे भगवान बजरंग बली की दोनों आंखें निकाल ली, उनको शत विक्षत कर दिया, और सीसीटीवी पकड़ाया कौन जानती है? पकड़ाया भारतीय जनता पार्टी के नेता का एक रिश्तेदार, जो उत्तर प्रदेश में ये कार्रवाई काम करने वाले थे षड्यंत्र, वो मध्य प्रदेश में भी। मतलब क्या बताना चाह रहे हैं? उनके दंगे मेरे दंगे से ज्यादा बड़े हैं, आप ये बताना चाह रहे हैं? अभय दुबे मतलूब अहमद को लेकर उन्होंने सवाल पूछा है, जो मास्टरमाइंड है कहां है वो? चित्रा त्रिपाठी जी, सारे जेल सलाखों के पीछे सैफुल्ला को उन्हें पूछिए ना, दुर्दांत आतंकवादी पंडितों की हत्या करने वाला, उसको कश्मीर में टिकट देते वार्ड नंबर 13 से, और यहाँ पाठ पढ़ा रहे। भारतीय जनता पार्टी नियोजित षड्यंत्र करके देश में दंगे कराना चाहती है, मैं बताता हूँ।